Hi friends, how are you? Hope everyone is safe, secure and taking great care of themselves and their family member. I am coming from the highway towards sector 79, but मुझे आज अचानक से रहेजा रेवांता में पूरी की पूरी लाइट्स जलती हुई दिखी. काफ़ी लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर रहेजा रेवांता, और आई थिंक इट इज़ ऑन द वर्ड्स ऑफ डिलीवरी विद इन 9 months to 1 year एज पर द रहेजा डेवलपर सेड के भाई गुड़गांव का जो ताजमहल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है. देखिए कितना नाइट के टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है ये रहेजा रेवांता. मैं थोड़ा सा बैक लेके भी आपको एक बार दिखाना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ लुकिंग टू गुड. फर्स्ट टाइम टेकिंग अ लिटिल बैक टू शो यू हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स फ्रॉम द डिस्टेंस. या तो ये देखिए, ये है गुरुग्राम की वन ऑफ द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग रहेजा द रेवांता. ग्राउंड प्लस 64 स्टोरी एंड वेरी सून इसका पोजीशन होने वाला है. इसकी भी एक अलग ही कहानी थी. जो सेंटर वाला टावर है दैट इज़ द सूर्य टावर, जो साइड के दो टावर हैं दैट इज़ द तपस टावर, बट सबसे अच्छी बात है इसका भी पोजीशन होने वाला है. तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये बिल्डिंग. बहुत ही टाइम के बाद बहुत ही एक कहते हैं कि एक वेट काफ़ी करना पड़ा था लोगों को, बट फाइनली बहुत ही अच्छा लगा आज इस बिल्डिंग को देख के सारी फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारी लाइट्स. ये देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारी लाइट्स रहेजा रेवांता की आपको जलती हुई दिखाई दे रही हैं. इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग अ पोजिशन, और बहुत ही लोगों ने इंतज़ार किया है. मैं तो जो टॉप फ्लोर पे रहते होंगे 64 स्टोरी पे उनसे जाके डेफिनेटली मिलूंगा, देखूंगा कि 64 स्टोरी से कितना ब्यूटीफुल व्यू आएगा इस प्रोजेक्ट का. एंड इट्स वन ऑफ द वेरी ग्रेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बस डिलीवर्ड हो जाए जल्दी से जल्दी. तो जिस तरह से लाइट जलती है आज देखी है तो It gives a sign of positivity in the market के भाई रहेजा is also putting efforts to get their stuck product since a very long time. ये product को काफ़ी time हो गया है. It was launched around 2013-14 के आसपास and finally in 2023 or in 2024 ये product delivered हो जाएगा positively. क्योंकि स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, ग्लास फसाड का जो मेजर काम है वो पेंडिंग है, तो वो भी पॉजिटिवली जल्दी ही रेडी हो जाएगा. तो जिन लोगों ने रहेजा द रेवांता में इन्वेस्ट किया है उन लोगों के लिए एक थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है कि इट इज़ नियर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन. ये कंप्लीशन की ओर अग्रसर है, कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है, तो डोंट वरी एट ऑल, कंप्लीट हो जाएगा, टाइम से भी मिल जाएगा. और जो अब बाय करेंगे दे विल हैव टू पे अ प्रीमियम, वो एक अच्छे प्राइस पे बाय करेंगे, और जब ये रेडी होगा तब एक और प्रीमियम इस पे आएगा. तो इन्वेस्टर जो पहला क्वेश्चन पूछते थे कि मुझे कब एंटर होना चाहिए, देखिए एवरी टाइम इज द राइट टाइम वेन एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द रियल इस्टेट इन द गुड़गांव. आपने बाइंग के टाइम पे खरीदा तब भी आप लकी हो, आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदा तब भी आप लकी हो, और आपने पूरा रेडी होने के बाद खरीदा तब भी आप लकी हो, क्योंकि गुड़गांव इज द मार्केट जो हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आपको अर्न करके देता है, कमा के देता है. कैपिटल एप्रिसिएशन, बस आपको ये ध्यान रखना है लोकेशन अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, बिल्डर अच्छा हो, कैपिटल एप्रिसिएशन आपको गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा बाय डिफॉल्ट. तो मीनवाइल मैं आपको ये रोड भी दिखा देता हूँ, सेक्टर 79 की रोड है. अभी रात के 1:17 हुआ है, आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम माई ऑफिस, एंड आप देख सकते हैं पूरी की पूरी रोड ब्लैक टॉप कर दी है. थैंक यू GMDA, थैंक यू M3M, थैंक यू मैप्स को, थैंक यू गोदरेज, थैंक यू बेस्टेक, थैंक यू सिग्नेचर ग्लोबल, इन सब बिल्डर्स के मिल के प्रयास से, इन सब लोग बिल्डर्स के एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन से ये पूरा का पूरा रोड आज की डेट में ब्लैक टॉप है, ऑपरेशनल है, फुली फंक्शनिंग है. अगर यही रोड आप 6 महीने पहले देखते हैं शायद आप यहाँ से गाड़ी तो छोड़ो आप बाइक भी ठीक से लेके नहीं जा पाते. तो ये बहुत अच्छा एक
एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू है जो गवर्नमेंट को और सारे बिल्डर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, गुड़गांव म्यूनिसिपल GMDA गुड़गांव म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि टच वुड चौटाला जी के साथ, खट्टर जी के साथ सब लोग इस एरिया में आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं एंड काफ़ी अच्छा रोड फाइनली बन गया है। आई एम सेइंग के चाहे किसका भी एफर्ट हो, चाहे वो M3M का एफर्ट हो, चाहे वो मैप्सको का एफर्ट हो, चाहे वो गोदरेज का एफर्ट हो, सिग्नेचर ग्लोबल का इफेक्ट हो, या फिर अपकमिंग नए लॉन्चेस का, पिरामिड का भी एफर्ट हो, GMDA का एफर्ट हो, सरकार का, गवर्नमेंट का भी एफर्ट हो, तो आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर मेकिंग दिस रोड, फॉर मेकिंग दीज लाइट्स मोटरेबल एंड लेट्स सी आगे अपना वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूटिफुल प्रोडक्ट मैप्स को दी माउंट विले। सो वी आर जस्ट गोइंग अहेड फॉर दी सेम एंड होप आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मी माई टीम इज एंटायरली देयर टू गाइड यू थ्रू आउट द जर्नी, वॉट एवर द रियलिटी क्वेश्चन यू हैव इनसाइड द माइंड, इनसाइड द कैंपस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। और गोदरेज की गैलरी भी चालू हो चुकी है, गोदरेज की गैलरी भी लाइव हो चुकी है, वो भी मैं आपको सारी डिटेल्स और सारी अपडेट डेफिनेटली दूंगा शॉर्टली। अभी जस्ट अभी तक के लिए इतना इन्फॉर्मेशन इज मोर देन एनफ फॉर यू एंड जस्ट जस्ट हैप्पी रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड विल मीट यू शॉर्टली इन द अनदर वीडियो। Till then, stay safe, take care, and we'll meet you shortly in the another video. Thanks a lot. Thank you so much.